अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो बिगनर्स के लिए है, सो वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स ऑल, जो भी देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आईलाइनर लगाना बता रही हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही इजीली विंग्ड एंड सिंपल आईलाइनर लगा सकते हैं। सो जो मेकअप में न्यू है वो मेरी वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बेसिकली बात यहाँ ये है कि हमें कैसे लगाना है और किस तरह हम बहुत ही ईजी स्टेप से हम लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी नहीं आता, मैंने भी काफ़ी दफ़ा सीखा तो इसीलिए आया। तो अब आपको मैं छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको कैसे लगाना है, बिल्कुल प्रॉपरली उस तरह से बताऊंगी जिस तरह के एक बिगनर को हम सिखा सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल के साथ मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, आपको पेन को एक तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ मेबलिन का पेन यूज़ कर रही हूँ। तो बिगनर्स के लिए इस तरह का पेन आईलाइनर ठीक रहेगा, क्योंकि ईजीली होता है कि हम उसे कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा इतना इजीली हम कैरी नहीं कर सकते। तो जिस तरह ये देख रहे हैं, आपने सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करना है लाइनर लगाना, और बिल्कुल इसी तरह सेंटर से स्टार्ट करते हुए आपने उसे पीछे की तरफ लेके जाना, ऊपर की तरफ, जिस तरह हम अपनी पिन बनाएंगे उसी शेड में। और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप उसे फ्रंट वाला आई का पार्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह आपको एंड वाले पार्ट के साथ भी करना है, लेकिन स्टार्ट आपको सेंटर से लेना है। अगर आप सेंटर से लेंगे तो बहुत इजी होगा बिगनर्स के लिए। वैसे तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक परफेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स उनके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि वो जब भी लाइनर स्टार्ट करें तो सेंटर से स्टार्ट करें। सेंटर के बाद वो नेक्स्ट जो आई का फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको और एंड बैक वाले हिस्से को इजीली वो बहुत ही नीट लाइन के साथ बना सकते हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ मैंने सेंटर से स्टार्ट किया और उसके साथ ही मैं फ्रंट पे और बैक साइड पे कंप्लीट लाइनर मैं लगा पाई हूँ। इस मेथड को आप फॉलो करके बहुत ही इजीली कैजुअली आप लाइनर लगा सकते हैं। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट वे है कि वो इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो हर एक को क्रेज़ होता है विंग आईलाइनर का, मैं आपको उसके थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ ब्रश की बैक साइड रखी, आप कोई भी स्पून, कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल स्ट्रेट हो आप ले सकते हैं, फुट ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके हाथ लगे आप वो ले लें। मैंने वो रख के, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने एक डॉट सा लगा लिया, बहुत ही लाइट सा डॉट है। और क्योंकि ये हमें खुद, जिनके लिए नहीं पॉसिबल होता विंग आईलाइनर बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में लगाना, उनके लिए ये बहुत ही ईजी तरीका है। तो मैं इसको डार्ट को, जहाँ से मैंने आगे लाइनर छोड़ा था उसको डार्ट तक मिलाने के लिए मैंने एक लाइन सी खींच लिया। बिल्कुल इसी तरह आपने एग्जैक्ट पहले वाले लाइनर, जहाँ तक आपने अपनी आई के एंड कॉर्नर तक लाइनर पहले बनाना है, और इसके बाद आपने विंग डार्ट तक वो लाइन मिलानी है। उस लाइन को थोड़ा सा आप नीचे की तरफ, लेकिन आपको ये लाइनर लगाने से पहले आई को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ताकि आपका आई का थोड़ा सा, हमारी स्किन लूज़ होती है तो आपको जैसे ही ऊपर खींचेंगे आई को थोड़ी सी टाइट स्किन हो जाएगी। तो जैसे ही टाइट स्किन होगी लाइनर लगाने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही हमारी नीट लाइन लगेगी। इसके बाद बेशक आप छोड़ सकते हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी और नीट लाइन लगी है। विंग बनाने के लिए एक और चीज़ जो कि आप मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, इसमें आपको इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना पड़ता है, इससे इसकी कर्व बहुत अच्छी और नीट लुक देती है। और इन छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करके बहुत ही अच्छा विंग आईलाइनर बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको दूसरी आंख पे ही थोड़ा सा मोटा विंग आईलाइनर बनाना बताऊंगी, जो उन सब बिगनर्स के लिए, जिनका अगर कहीं भी फंक्शन पे जाना और अचानक से हमें बहुत जल्दी में हो और हम उनसे लाइनर बिल्कुल ठीक से प्रॉपर ना लग रहा हो, कुछ भी हो जाए, कहीं फैल जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए, तो आप उसको किस तरह कवर अप कर सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा ऊपर मैंने डॉट लगा के दिखाया कि अब बिल्कुल ऐसा फील कीजिए कि आपका लाइनर फैल गया है।
तो आप उसको उसी डार्ट को वहां से कवर करना स्टार्ट करेंगी एंड वाले कॉर्नर से, और उसको उसी डायरेक्शन में आपने सबसे पहले तो आपको आई को लिफ्ट करना है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में आपको नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ मैं बिगनर्स के लिए एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप अच्छा लाइनर लगाने के लिए, क्योंकि स्टार्ट होता है और हमारी इतनी ग्रिप नहीं होती कि हम थोड़ा सा लिक्विड लाइनर या दूसरे लाइनर ट्राई करें, तो आप अपने पास किसी भी ब्रांड का आप मार्कर आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में आपको इजीली किसी भी ब्रांड का मार्कर आईलाइनर मिल जाएगा, लेकिन मैं जो मेबलिन का मार्कर आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको वहाँ से लेना हो तो आप ले सकते हैं इजीली। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली और इजी ग्रिप के साथ आप इस विंग को क्रिएट कर सकते हैं, और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लुक आती है हमारी आई की। जिनकी खास तौर पे बहुत छोटी आईज हैं वो इस विंग को क्रिएट कर सकते हैं। इसे आंखें थोड़ी बड़ी और खुली खुली सी नज़र आती हैं, तो अगर आप जल्दी में हों और कहीं जाना और आईलाइनर में इतने परफेक्ट ना हो, तो आप इस तरह का आईलाइनर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वो लोग जो परफेक्ट तरीके से आईलाइनर नहीं लगा पाते या जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी मेकअप करना स्टार्ट किया, उनको लाइनर लगाने का बिल्कुल भी इतना अच्छा आइडिया नहीं होता। उनके लिए मैंने बहुत ही इजी एंड यूज़फुल टिप्स शेयर किए हैं। आई होप कि आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी, तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, एंड मोर सजेशंस के लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो सब बिगनर्स जिन्होंने मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया और उन्हें इनसे हेल्प हुई, वो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।